रेडी स्टार्ट। मेरे देश भाइयों, भारत की स्वतंत्रता हित में अपनी सेवा अर्पित करने का सौभाग्य मुझे बहुत वर्षों से रहा है। आज मैं पहली बार भारतीय जनता के प्रथम सेवक के रूप में उसकी सेवा और सुधार के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होकर अपने पद से आपसे बोल रहा हूँ। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि आपकी ऐसी इच्छा थी और मैं यहाँ तभी तक हूँ जब तक कि आप अपना विश्वास देकर मेरा सम्मान करते हैं। हम आज स्वतंत्र और पूर्ण सत्ताधारी लोग हैं और हमने अपने को अतीत के बोझ से मुक्त कर लिया है। हम संसार की ओर स्पष्ट और मैत्रीपूर्ण आँखों से और भविष्य की ओर आस्था और विश्वास के साथ देखते हैं। विदेशी आधिपत्य का बोझ दूर हो गया है, लेकिन स्वतंत्रता अपनी अलग जिम्मेदारियाँ और भार लाती है और उन्हें हम स्वतंत्र लोगों की भावना से ही आत्मसंयम के साथ और उस स्वतंत्रता की रक्षा और विस्तार करने के निश्चय से वहन कर सकते हैं। हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, परंतु हमें अभी इससे अधिक हासिल करना है। तो आइए हम अपने नए धंधों में दृढ़ता से और उन ऊंचे सिद्धांतों को ग्रहण करते हुए जिन्हें कि हमारे महान नेताओं ने सिखाया है, लग जाए सौभाग्य से गांधी जी मार्ग प्रदर्शन के लिए, हमें प्रेरणा देने के लिए और सदा आदर्श अध्यवसाय का पथ दिखाने के लिए हमारे साथ हैं। बहुत दिनों से उन्होंने हमें सिखाया है कि आदर्श और उद्देश्य उन साधनों से पृथक नहीं किए जा सकते जो कि उनकी सिद्धि के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। अर्थात अच्छे उद्देश्यों की सिद्धि अच्छे साधनों द्वारा ही संभव है। यदि हम जीवन की महान बातों की ओर लक्ष्य करते हैं, यदि हम भारत का स्वप्न बड़े राष्ट्र के रूप में देखते हैं जो कि शांति और स्वतंत्रता का अपना प्राचीन संदेश दूसरों को दे रहा है, तब हमें स्वयं बड़ा बनना है और भारत माता की योग्य संतान बनना है। संसार की निगाहें हम पर हैं और वे पूर्व में इस स्वतंत्रता के जन्म को ध्यान से देख रही हैं और विचार कर रही हैं कि इसका अर्थ क्या है। हमारा पहला ध्येय यह होना चाहिए कि हम सब प्रकार के आंतरिक झगड़ों और हिंसा का अंत कर दें जो कि हमें कलुषित करके गिराते हैं और जो कि स्वतंत्रता के पक्ष को हानि पहुंचाते हैं। ये जनता की महान आर्थिक समस्याओं पर जिन पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है, विचार करने में बाधक होते हैं। अपनी दीर्घकालीन पराधीनता और विश्वव्यापी युद्ध और उसके परिणामों ने हमारे आगे बहुत सी अत्यावश्यक समस्याओं को एक साथ डाल दिया है। आज हमारी जनता के लिए भोजन और वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी है और हम मुद्रास्फीति और बढ़ती हुई कीमतों के बवंडर में पड़ गए हैं। हम इन समस्याओं को तुरंत हल नहीं कर सकते, साथ ही उनके हल करने में देर भी लगा सकते हैं। मेरे देश भाइयों, हमें बुद्धिमता के साथ
ऐसी योजनाएं बनानी हैं जिनसे हमारी जनता का बोझ कम हो और उनके रहन सहन का स्तर ऊंचा उठे। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि अपनी चीर पीड़ित जनता के हितों का ध्यान हमें सबसे पहले होना चाहिए और अन्य स्वार्थों को उनके आगे झुक जाना चाहिए। हमें अपनी दकियानुसी भूमि व्यवस्था को शीघ्र ही बदलना है और हमें एक बड़े और संतुलित पैमाने पर उद्योग व्यवसायों को उन्नत करना है, जिससे कि देश की संपत्ति बढ़े और लाभ उचित रूप में वितरित हो सके। उत्पादन आज की सर्वप्रथम आवश्यकता है और उत्पादन में रुकावट डालने या उसे कम करने का प्रत्येक प्रयत्न राष्ट्र को और विशेष रूप से हमारे बहुसंख्यक श्रमिक को हानि पहुंचा रहा है। लेकिन केवल उत्पादन पर्याप्त नहीं, क्योंकि इसका परिणाम यह हो सकता है कि संपत्ति खींच कर कुछ थोड़े से हाथों में आ जाए। उन्नति के मार्ग में यह बाधक होगा और आज के प्रसंग में अस्थिरता और संघर्ष उत्पन्न करेगा। अतएव समस्या को हल करने के लिए उचित और न्यायसंगत वितरण अत्यंत आवश्यक है। भारत सरकार के हाथ में इस समय जल प्रवाह के नियंत्रण द्वारा नदियों की घाटियों के विकास की, बांधों और जलागारों और सिंचाई के साधनों के निर्माण और पनबिजली की शक्ति के विकास की कई बड़ी योजनाएं हैं। इनसे खाने की वस्तुओं के उत्पादन में तथा सभी तरह के औद्योगिक विकास में सहायता मिलेगी। ये कार्य सभी योजनाओं के लिए बुनियादी है और हम इन्हें जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हैं, जिससे कि जनता को इनका लाभ मिल सके। इन सब बातों के लिए शांति की स्थिति और सभी संबंधित लोगों का सहयोग और कठिन श्रम निरंतर आवश्यक है। इसलिए हमें इन महान और करने योग्य कामों में लग जाना चाहिए और आपस में झगड़े फसाद को भूल जाना चाहिए। झगड़ा करने का समय अलग होता है और मिलजुल कर उद्योग करने का अलग, काम करने का समय अलग होता है और खेल कूद का अलग। आज ना झगड़ा करने का समय है ना बहुत खेल कूद का। यदि हम अपने देश और अपनी जनता के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहते, तो आज हमें एक दूसरे से सहयोग करना चाहिए और मिलजुल कर काम करना चाहिए और यथार्थ सद्भावना से काम करना चाहिए। मैं कुछ शब्द नागरिक तथा सैनिक राजसेवकों से कहना चाहूँगा। पुराने अंतर और भेद मिल गए हैं और आज हम सभी भारत के स्वतंत्र बेटे और बेटियां हैं और अपने देश की स्वतंत्रता का तथा उसकी सेवा में लगने का हमें गर्व है। हम समान रूप से भारत के प्रति निष्ठा रखते हैं। हमारे सामने जो कठिन समय है, उसमें हमारे राजसेवकों और विशेषज्ञों को बड़े महत्व का भाग लेना है और हम एक साथी की भांति उन्हें भारत की सेवा में लगकर ऐसा करने का बुलावा देते हैं। महोदय, अखिल हैदराबाद राज्य भारत सेवक समाज के दूसरे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन
करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। यह संतोष और हर्ष का विषय है कि आपके राज्य में भारत सेवक समाज एक जीवित संस्था है।